ईगल एक शिकारी और मांसाहारी पक्षी है। इसका जीवन काल 17 से 25 सालों का होता है। ये धरती पर सबसे अधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। दूसरे विश्व युद्ध में कबूतरों द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों को रोकने के काम में ईगल का इस्तेमाल किया जाता था। आज के इस वीडियो में आपको बता रहे हैं ईगल के बारे में कुछ खास बातें। स्टेलर सी ईगल वर्सेस किटीवेक बर्ड्स। स्टेलर सी ईगल तटीय पूर्वोत्तर एशिया में रहता है और मुख्य रूप से मछली व अन्य पानी के पक्षियों के शिकार के लिए जाना जाता है। पूर्वी रूस के दूरस्थ इलाके कामचटका प्रायद्वीप को इन पक्षियों की अपेक्षाकृत बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ये प्रजाति ईगल की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। इसे दुनिया के सबसे भारी और बड़े ईगल का खिताब हासिल है। इस वीडियो में एक स्टेलर सी ईगल खुले आसमान में सैर कर रहा है। शायद वो किसी शिकार की तलाश में है। तभी उसकी नजर किटीवेक बर्ड्स पर पड़ती है, जो बड़ी तादाद में एक जगह पर इकट्ठी हुई है। ये ईगल गोली की स्पीड से किटीवेक बर्ड्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन किटीवेक भी चौकन्नी थी। ईगल को अपनी तरफ आता देख सैकड़ों किटीवेक एक साथ उड़ने लगी, ताकि ईगल कंफ्यूज हो जाए कि वो किसको पकड़े और किसको जाने दे। हालांकि कुछ हद तक किटीवेक अपनी चाल में कामयाब भी रही, लेकिन स्टेलर सी ईगल बहुत चतुर और घातक शिकारी है। उसने सैकड़ों किटीवेक में से अपना शिकार चूज कर लिया और अपने पंजों में जकड़कर फुर्र हो गया। ईगल वर्सेस सी स्नेक। ईगल अपने आप में एक अद्भुत पक्षी है। वो लगभग 12,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ईगल की सबसे बड़ी खासियत उसकी आंखों में होती है, जिनकी मदद से वो आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी समंदर में तैरती छोटी मछली भी गोता लगाकर पकड़ सकता है। यहाँ आसमान में उड़ते ईगल का मन समंदर में तैरते एक पानी के सांप पर आ जाता है। ईगल का मन हो और उसे हासिल ना कर सके, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बगैर देरी किए ईगल ने समंदर की सतह पर आकर बड़ी सफाई से अपने नुकीले और मजबूत पंजों से लगभग 2.5 से 3 फीट लंबे समुद्री सांप को पकड़ लिया। सांप ने आसमान में उड़ते ईगल के चंगुल से छूटने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन एक बार ईगल के पंजे में जो आ गया ना, वो निकल नहीं पाता। उड़ता हुआ ईगल अपने घोंसले में पहुंच गया और अपने पूरे परिवार के साथ इस ताजा भोजन का आनंद लेने लगा। मार्शल ईगल वर्सेस लिजर्ड। मार्शल ईगल ईगल की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में से एक, ये काफी अवसरवादी शिकारी है। वहीं लिजर्ड की लगभग 80 प्रजातियों में से एक है मॉनिटर लिजर्ड। ये लगभग 8 फीट लंबा होता है। क्या आप सोच सकते हैं मार्शल ईगल इतने बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है? लेकिन यह सत्य है। इस वीडियो में एक मार्शल ईगल ने एक लिजर्ड को दबोच लिया। ईगल जानता है कि अगर इसे जिंदा लेकर उड़ेगा तो उड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो इसे जमीन पर मार कर ही आसमान में लेकर उड़ेगा। जहां ईगल मॉनिटर लिजर्ड को बिल्कुल भी ढील देने का मूड में नहीं है, वहीं मॉनिटर लिजर्ड लगातार ईगल के चंगुल से छूटने का प्रयास कर रहा है। ईगल लिजर्ड को पूरा कंट्रोल में लेने के लिए उस पर हमले भी कर रहा है। उसने जिंदा लिजर्ड को खाना शुरू कर दिया। जब ईगल को लगा कि लिजर्ड मर चुका है या मरणासन्न स्थिति में, तब कहीं जाकर ईगल ने चैन की सांस ली और उसे आनंद लेकर सुकून के साथ खाना शुरू कर दिया। ईगल वर्सेस क्रेन। इस वीडियो में क्रेन बर्ड्स का एक झुंड आसमान में उड़ रहा दिखाई दे रहा है। क्रेन के झुंड पर दो ईगल्स की नजर पड़ जाती है, लेकिन आसमान में क्रेन का शिकार करना ईगल के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए एक ईगल ने क्रेन पर बहुत सोच समझकर हमला किया। ईगल ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन डिसबैलेंस होकर आसमान से नीचे गिरने लगा। जैसे तैसे करके ईगल ने खुद को संभाला और शिकार को लेकर अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।